श्रीमान पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री राजेश चंदेल के निर्देशन में चोरी लूट डकैती जैसे गंभीर अपराधों की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं हुई घटनाओं में तत्काल पतारसी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 26/9/2019 को श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक सुप्रीम श्री गजेंद्र सिंह तंबर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस करेरा श्री आत्माराम शर्मा एवं DSP महोदय सुप्रीम श्री तोमर के मार्गदर्शन में सूचना प्राप्त हुई कि लूट का संदेही अपने पास अवैध हथियार लिए शिलानगर रोड नारी तरह के पास कोई लूट जैसी अप्रिय घटना करने के लिए खड़ा है। सूचना की तस्दीक व तुरंत कार्रवाई हेतु मैं फोर्स के रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति शिलानगर रोड नारी तरह के पास संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा। उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम आरिफ पुत्र रमजान खान उम्र 20 साल ग्राम देली थाना रक्षा जिला झांसी उत्तर प्रदेश का होना बताया। आरोपी के पास एक 315 बोर का कट्टा मैं दो जिंदा राउंड के मिले, थाना लेकर आए और धारा 25-27 आमर्स एक्ट का अपराध कायम किया गया। आरोपी थाना हाजा के अपराध क्रमांक 227/19 धारा 394 भादवी 11-13 MPDP के तहत, जिससे फरियादी मुकेश गुप्ता से घटना दिनांक 8/9/2019 को 30,000 रुपए लूटे गए थे। इसके संबंध में आरोपी से हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपने साथ नीरज सैन निवासी झांसी व याबू खान निवासी डेली के साथ लूट करना स्वीकार किया एवं उक्त घटना को हारून पुत्र अब्दुल कलाम उम्र 35 साल निवासी सिरसौत चौराहे के द्वारा षड्यंत्र रचकर घटना करित करना बताया, जिसे गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी आरिफ से घटना में लूटे गए मसरूका में 10,000 रुपए नगद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर काले रंग की क्रमांक UP 93P 3651 को जब्त किया एवं थाना सुरवाया के लूट का मसरूका भी जब्त किया गया एवं फरार आरोपी नीरज सैन व याबुक मुसलमान की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुप्री द्वारा इनाम घोषित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा उक्त कार्रवाई में सराहनीय कार्य करने के लिए पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। शिवपुरी से गजेंद्र वर्मा के साथ मोनू नामदेव की रिपोर्ट है एसकेएच न्यूज। ये भी हो सकता है कि और भी कुछ घटनाएं उन्होंने झांसी है यहाँ पर जिले